हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे मैंने बोला था कि आप सबके लिए मैं अपडेट्स लेकर आऊँगा, जो अपडेट्स है, क्योंकि परसों रात में हमारा एसआर का वेबिनार था रात को 2:30 बजे से, लेकिन वो मीटिंग हमने अटेंड तो किया था लेकिन देख नहीं पाया था। मैंने कल सुबह में ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किए हो उनको तो ऑब्वियसली आज वीडियो सुनने को मिल रहा है। तो हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में, तो ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा। तो पूरा अपडेट्स लो, वीडियो को आखिरी तक देखो एंड ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। विथड्रॉल रिगार्डिंग, पेमेंट रिगार्डिंग, हाँ, मार्चेंट रिगार्डिंग, जो भी बात हुआ, वेरिफिकेशन रिगार्डिंग एंड कार्ड पेमेंट, एवरीथिंग, ऑल पॉइंट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो लिसन केयरफुली, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी अपकमिंग डेज में वीडियोज एंड अपडेट्स आने वाले हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपको इस वीडियो से ही पता चलेगा, तो ध्यान से सुनना। तो टीम पहले बोल रहा है कि हमारा पहला लाइन ऐसे बोलूंगा कि आपका ध्यान उठ जाएगा कि टीम साइज को लेकर कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है। हाँ, टीम से जो इनकम आ रहा था वो तो आएंगे, सच बात है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उसका टीम ज़्यादा बड़ा है, उसका बहुत लोग है, मेरे पास कोई नहीं है, तो आप गलत हो। ऐसा कुछ बात नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इंगेज हो, अगर आप कंपनी के साथ जुड़ा हो, अगर आप कंपनी का हर एक पॉइंट्स कवर करते हो, हर एक चीज़ को यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पर इंगेजमेंट टाइम आता है, ठीक है। आप कितने बार दिन पे लॉग इन करते हो, कितने टाइम वेबसाइट पे रहते हो, हर एक चीज वहां पर रहता है। तो अगर आप एंगेज हो तो आपका ऊपर जाएगा नाम, ठीक है, आपका मैटर करेगा वो चीज। तो आशा करता हूं यहां पर आपका टेंशन खत्म। जिसका एक दो आईडी है, प्लीज उसको लॉग इन करते रहिए, हर रोज देखते रहिए, हर एक प्रोडक्ट को देखते रहिए, ठीक है, चीज को इस्तेमाल करते रहिए। नंबर टू, सेकेंड पॉइंट, मर्चेंट को लेकर जो बात था, तो देखो सितंबर मंथ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक पेमेंट बंद हो गया। जो पहला मर्चेंट था, एसएन ने बहुत बार कहा था कि प्लीज आप लोग सीरियसली लीजिए कि हमारा पेमेंट जो है वो बहुत ह्यूज नंबर पे आने वाले हैं, एंड जो पेमेंट जाने वाले हैं वो भी विड्रॉल भी बहुत ह्यूज नंबर पे जाने वाले हैं। लेकिन उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। सोचा छोटा स्टार्टअप कंपनी है, बूटस्ट्रैप है, तो कितना ही बड़ा होंगे, कितना ही लोग हैं इनके पास, ठीक है। वो लोगों के पास तो आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कौन बैठे हैं, यहाँ पर फाउंडर्स बैठे हैं, एंड वो है अर्ली अडॉप्टर्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे इंडिया से लोग हैं, वो तो और भी ज़्यादा है। तो जब स्टार्ट हुआ तो इतना ज़्यादा पेमेंट आने लगा, और उसके साथ साथ पेमेंट आ तो रहा था एंड पेमेंट जा भी रहा था, इतना ज़्यादा पेमेंट का विड्रॉल आने लगा तो वो लोग हैरान हो गए। एंड एक देश से नहीं, हंड्रेड ऑफ करेंसी, हंड्रेड से ज़्यादा, मैं बहुत सारा देश से आने लगे पैसा। सिर्फ वही बात नहीं, लगभग टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आने लगे, ठीक है, एक दिन में। तो उसका सिस्टम जो था वो रेड फ्लैग आ गया। क्या आ गया? रेड फ्लैग, कि इतना ज़्यादा जब अमाउंट ट्रांसफ़र होता है तब रेड फ्लैग आ जाता है। तो वो रेड फ्लैग आ गया कि इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन क्यों हुआ, तो वो मर्चेंट गया। अभी सेकेंड मर्चेंट आया, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ, उनको भी ऐसे ने बोला था कि ये होने वाला है, फिर भी उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ। जब ये सेम प्रॉब्लम हुआ उसके बाद अभी तो ये सिचुएशन चल रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ वो बताता हूँ आपको। कि इसके बीच में जब ये प्रॉब्लम हुआ तो आप जानते ही थे, फर्स्ट मर्चेंट के बाद बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा था, सेकेंड मर्चेंट ने तो एक भी पैसा नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत बार समझाया, मीटिंग वगैरह किया, उसके बाद उन्होंने लीगली स्टेप लिया, एंड फिर वो पैसा, मतलब वो जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। एंड उसके साथ साथ उन्होंने हर रोज़ हमारा जो अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स है, हर अलग अलग रीजन से एग्जीक्यूटिव्स है, सबके साथ हर दिन, लगभग हर दिन उन्होंने बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते थे एंड सोल्यूशन ढूंढते थे। एंड इस मामले में उनके पास 50+ सोल्यूशन आ गया, प्लान ए बी सी डी ई एफ जी एच करके, मतलब ए से जेड तक 26 लेटर होता है, तो उनके पास डबल है, 50+ है, तो ये सोल्यूशन आ गया। इनके बीच में कुछ है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, कुछ है क्या बताओ, कुछ है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और इसके साथ सब लोगों ने मिलकर यही डिसाइड किया कि पहले हम
विड्रॉल को देंगे, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। विड्रॉल अटका पड़ा है प्राइस लगभग 10 सितंबर तक, मुझे जितना मालूम है 10 सितंबर तक क्रिप्टो का पेमेंट आया, बैंक का तो एक भी पेमेंट नहीं आया, लेकिन क्रिप्टो का 10 सितंबर तक आ गया। तो जो भी क्रिप्टो का पेमेंट पड़ा है लगभग 2 महीने जा रहा है, तो उसका जो भी क्रिप्टो का विड्रॉल है वो उसके साथ पहले वो हम एक हफ्ते में क्लियर कर देंगे सबको। बल्क में पेमेंट आने वाला है, मतलब एक एक टाइम पे देखना आप, मतलब हंड्रेड सब लोगों को पेमेंट एक साथ आ जाएगा, ठीक है, ये पेमेंट आने वाला है। फिर वो जब ख़त्म हो जाएंगे फिर बैंक स्टार्ट होगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर बैंक स्टार्ट होगा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवम्बर का अर्ली नवम्बर के पार्ट तक ये सब ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत चलते तो रहेंगे क्योंकि पेमेंट कंटिन्यूसली आते रहेगा, जाते रहेंगे तो वो होते रहेंगे। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर अर्ली पार्ट में ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा लाइंड अप है, एंड उसमें से कुछ प्रोडक्ट को नाम हम जानते हैं, जैसे कि वो वेरीफाई, वो ट्रैकर, वो डेस्क, ओपल, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं जानते उसके बारे में कि क्या प्रोडक्ट है, तो वो भी आने वाले हैं, ठीक है। कुछ अलग प्रोडक्ट है, कुछ अननोन प्रोडक्ट है जो आने वाले। इसके अलावा वो वेरीफाई तो आने ही वाले हैं, मैंने बहुत बता दिया, उसके वो तो फ्री है, हमारे लिए फ्री है, क्योंकि आप जानते हो लगभग $2 लगते थे एक वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन हमारा वो वेरिफिकेशन फ्री है क्योंकि हमारा इन होम प्रोडक्ट है, हमारा खुद का सिस्टम है, तो वह हम फ्री में कर पाएंगे एंड सिर्फ कर ही नहीं पाएंगे, अगर वेरिफिकेशन करता हूँ तो हमें 10-13 ओ कॉइन भी मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इंस्टीट्यूशन मतलब कोई जगह या कोई कंपनी वगैरह छोटा मोटा पता है जिसके पास वेरिफिकेशन चाहिए, तो आप बेच भी सकते हो। और इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि आपको वो वेरीफाई खरीदना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप वो वेरिफिकेशन आपका खुद का कर चुके हो, आपके पास वो वेरीफाई दिख रहा है, आप आईडी दो, वो वेरीफाई खरीदेगा, बस आपके पास कमीशन लाइफ टाइम आते रहेगा। वो जब तक वो वेरीफाई यूज़ करते रहेंगे आपको कमीशन तो आएंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए एक अलग सा कमीशन शायद आने वाला है, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन भी है उनका तो आने वाला है, इसका वेरीफिकेशन के भी शायद आने वाला है, ऐसा कुछ जो भी है, लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ इनकम आने वाले, बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक, ह्यूज काम इनकम आने वाले अगर आप वो वेरीफाई सेल कर सकते हो तो। नेक्स्ट है जाइटिक्स। जाइटिक्स ग्लोबल को लेकर ऐसा ने बताया कि हमने बेस्ट स्टैंड अवार्ड जीता है उनसे, बेस्ट स्टैंड का अवार्ड, ठीक है। तो अगर हमने बेस्ट स्टैंड का अवार्ड जीता है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जाइटिक्स में, मतलब 2024 का जाइटिक्स जो होने वाला है, उनमें हमें 3 times ज़्यादा जगह मिलने वाला है, ठीक है। स्टैंड मतलब आपने जो देखा ऑन पैसिव का फोटो, एक ऊपर से एक मतलब एलईडी स्क्रीन है, साइड में एलईडी स्क्रीन है, एंड बीच में जो स्टैंड है उनमें से आपका टीवी वगैरह है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन टेस्ट टीवी है, तो इसको हम स्टैंड कहते हैं, या टोटली मिला के हम स्टैंड कह रहे हैं जो सजाया हुआ है, तो इस स्टैंड को हमें बेस्ट स्टैंड का अवार्ड मिला है। तो हमने क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट ईयर इसके लिए 3 times ज़्यादा और भी बड़ा स्टैंड मिलने वाला है, तो और भी ज़्यादा कुछ हम शोकेस करेंगे। एक साल बाद सोचो जाइटेक्स में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सोचो, एंड क्या क्या हम शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है डोंट थिंक, मतलब यही बोल रहा हूँ कि एक महीने एक दिन में क्या चेंजेस आ रहा है वो वन नोटिस करो, आज जाएगा कल आएगा, आप फिर कल मैसेज करके बोलोगे सर क्या हुआ, कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट दिन मैसेज करके बोलोगे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक एक दिन में यहाँ पर चेंजेस नहीं होता है, ये बड़े कंपनी इसको टाइम लगता है, छोटा छोटा चेंजेस होते होते अब एक साल में इतना कुछ बदल जाएगा तब आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है। हर एक दिन अगर देखोगे तो आपको कुछ चेंजेस नहीं नजर आएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन एक साल में जब देखोगे तब
नजर आएगा। आप आपका फ्यूचर के लिए सोचोगे, एक साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे, पाँच साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे, ये सोचो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है एंड हमारे पास कितना सारा प्रोडक्ट है, एक सिर्फ एक लॉन्च किया एंड उसका ही मार्केटिंग चल रहा है तो इतना कुछ हो रहा है। जब और भी तीन चार प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तब क्या होगा, कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है, ये सोचो। इसके अलावा लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन भी हो रहा है। इजिप्ट पे हमारा 3D स्टैंड एंड रोबोट भी आने वाला है। आप जानते हो इजिप्ट में शायद मंडे से होने वाला है शायद, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड पेमेंट्स आर कमिंग वेरी सुन, बहुत जल्द ही कार्ड पेमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो भी सब लोग कार्ड पेमेंट कर पाओगे तो टेंशन नहीं है। एंड ऑन पैसिव इज ओपन फॉर ऑल, ऑन पैसिव सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है, स्मॉल बिजनेस, मीडियम, लार्ज बिजनेस, आपका छोटा बिजनेस हो बड़ा हो, आप आके आपका बिजनेस को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो, आपका मीडिया टीम, आपका टेक्निकल साइड एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग साइड, ये भी आप यहाँ पर हैंडल करा सकते हो हमारे एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। तो ये सब आपके पास है अपॉर्चुनिटी, आप कितना आपका बिजनेस को बड़ा कर सकते हो एंड मैक्सिमाइज योर बिजनेस बाय ऑल प्रोडक्ट्स। अगर आप यहाँ पर एक फाउंडर हो तो आपका बिजनेस भी बड़ा करना चाहिए, तो आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करो, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है आने वाले हैं उनको सबको खरीदो, तो आपका जीतने का चांस, आपका कमीशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज नवंबर मंथ इज फॉर विड्रॉल, तो जो लोग विड्रॉल के लिए आतुर है प्लीज़ वेट कीजिए, नवंबर इज दैट मंथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहो और भी अपकमिंग वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए, जो भी अपडेट्स आगे मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।